नैब ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डायरेक्टर शौकत हुसैन बलोच को गिरफ्तार किया है। शौकत हुसैन बलोच के साथ दो डिप्टी अकाउंटेंट और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात हमें बताएंगे राहिल सैयद। राहिल सैयद बताइएगा। जी सिद्रा, नैब लाहौर ने जब नासिक के साथ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा हुआ है, इसके हवाले से सरकारी खजाने को 60 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाने पर डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी शौकत हुसैन में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके अंदर अकाउंटेंट हसन महमूद और मोहम्मद फारूक भी शामिल है। इल्जाम ये है मुलजमान के ऊपर की उन्होंने 276 किलोमीटर जो है रोड बनाई जानी थी बावरपुर का नहीं काम, लेकिन इन लोगों ने पैसे लेके 60 मिलियन हुकूमत से लेके बोगस अकाउंट में जो अपने नाम पर उन्होंने ट्रांसफर करा लिया, इतना सड़क बनी जिसकी वजह से हुकूमत को जो है 60 मिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। नैब इस हवाले से तहकीकात कर रहा था, चारों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके ऊपर जो है दो चौथाई नैब के पास आ गए थे कि इन लोगों ने करप्शन किया, कल उन्हें इंसाफ अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद।